बाजार में बिकेंगी कंगना रनौत के प्रिंट वाली साड़ियां। सपोर्ट में आया व्यापारी। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच पिछले दिनों जो खींचतान चली उसे पूरे देश ने देखा। कभी कंगना शिवसेना पर वार करती तो कभी शिवसेना के मंत्री और नेता कंगना पर पलटवार करते। बात तब बढ़ गई जब बीएमसी ने कंगना के मुंबई ऑफिस को तोड़ दिया, जिसे लेकर अब कंगना महाराष्ट्र सरकार से आर पार की लड़ाई पर उतर आई है। कंगना को एक तरफ कई बॉलीवुड सितारों का सपोर्ट मिला तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें देश भर में फैले अपने लाखों फैंस का सपोर्ट भी मिल रहा है। सूरत के एक बड़े कपड़ा व्यापारी ने भी कंगना को सपोर्ट करने के लिए उनकी फिल्म मणिकर्णिका के पोस्टर का इस्तेमाल किया है और साड़ी के पल्लू पर इंग्लिश में लिखा है आई सपोर्ट कंगना रनौत। आज तक से बात करते हुए सूरत के कपड़ा व्यापारी पुरुषोत्तम झुनझुनवाला उर्फ छोटू भाई ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि कैसे एक ट्रेस कंगना रनौत को तंग किया जा रहा है और इसके बावजूद कंगना जी अड़ी खड़ी हुई हैं। हमारा काम ही औरतों के लिए साड़ियां बनाना और बेचना है, तो ऐसे में हमें लगा कि हमें भी कंगना जी को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमने कंगना को सपोर्ट करते हुए उनकी फोटो छपी हुई साड़ियां बनाई हैं। पुरुषोत्तम आगे कहते हैं, अभी फिलहाल तो ये साड़ियां परसों ही बनकर तैयार हुई हैं। लेकिन जिस तरह से दुकानदारों में इसे लेकर उत्सुकता है, हमें लगता है कि कुछ दिनों में इसकी डिमांड जरूर बढ़ेगी, जिसे लेकर हम उत्साहित हैं। बाकी ये साड़ी मार्केट में कितनी बिकती है या नहीं बिकती है ये तो वक्त ही बताएगा। पुरुषोत्तम झुनझुनवाला ने आज तक से ये भी कहा, मेरी कंगना से कभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आज तक के माध्यम से कंगना जी को ये कहना चाहता है कि मैं उन्हें ये साड़ी अपने हाथों से गिफ्ट करना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा देश आपके सपोर्ट में है और इस बात में कोई दुराय नहीं है। बता दें कि कंगना और शिवसेना में जारी मतभेद के बीच कंगना को करणी सेना का पूरा समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगा मेड़ी अभिनेत्री कंगना रनौत से उनके मुंबई वाले घर में मिले। वहीं बताया जा रहा है कि कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से रविवार को मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात रविवार शाम 4:30 बजे होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कंगना रनौत राज्यपाल के सामने बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर को तोड़े जाने और सुरक्षा के संबंध में अपनी बात रख सकती हैं। मालूम हो कि मुंबई वाले ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के बाद से ही कंगना रनौत काफी गुस्से में हैं और उद्धव सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि आज मेरा ऑफिस टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला शांत होता है या कितना आगे तक जाता है।